ओके, मतलब टर्म ब्रेक है ही नहीं, होंदी है बट लॉक है, खुला है। ਹੁਣ जी ਆਪਾਂ ਚੱਲੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਗਰਾਊਂਡ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਫੁੱਟਬਾਲ ਖੇਡ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰਨਿੰਗ ਕੋਰਟ ਵੀ ਆ। ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਵੀ ਪਾਲੂ ਪੁੱਲੂ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਚਣੇ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਉਰਤੇ 5 ਮਿੰਟ ਦੂਰ ਹੀ ਆ। ਹਾਂ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਬੱਸ ਪਕੜੀ ਤੇ ਬਸ ਅਗਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸਟਾਪ ਤੁਹਾਡਾ। ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਧੀਆ ਹੋਵੋਗੇ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਇਆ ਸਾਈਮਨ ਫਰੇਜ਼ਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। तो ये ब्रिटिश कोलंबिया की काफ़ी टॉप यूनीवर्सिटी है, बहुत ही वधिया यूनीवर्सिटी है। तो मेरे नाल आए ने जगतेक वीर जी, तो इत्थे ही पढ़ते हैं। तो इन्हां तो अज पूछूंगे भी किहड़ा कोर्स करते हैं, क्या स्ट्रक्चर है उहदा, तो इन्हां दा स्टडी बैकग्राउंड क्या है, वैसे प्लस टू करके आए हुए हैं। तो सारी चीज़ां डिस्कस करोगे इन्हां नाल, इन्हां दा स्टडी बैकग्राउंड क्या सीगा, तो होर भी काफ़ी चीज़ों बारे डिस्कसन करोगे भी इन्हां दी फीस कितनी है, एडमिशन दे रिक्वायरमेंट्स क्या है। तो तुसी देख सकते हो भी काफ़ी वधिया यूनीवर्सिटी है। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने तो पहला जे तुसी चैनल में सबसक्राइब नहीं किया तो सबसक्राइब कर लो, तो बैल आइकन पर प्रेस करके ऑल पर क्लिक जरूर कर दो। चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो यूनीवर्सिटी का कैंपस है जोड़ा काफ़ी बड़ा है, तो मैं अज देखा मैं हैरान हो गया, इन्नी ज़्यादा ना मैं इदा लग्या भी किसी राजा की समगरी है। तो काफ़ी बड़ा है, तो मतलब बहुत बड़ी यूनीवर्सिटी है, तुम आओगे तो देखोगे काफ़ी मतलब हैरान हो जाओगे। तो हुण आ जाओ आप पूछते इन्हों स्टडी बैकग्राउंड बारे। मेन साडा फोकस अपनी फोटो पर जाऊगा, फिर वो जो मैं वीडियो देखते ना जो उन्होंने ऐ लगता है मेरे नाल नहीं गल कर रहा किसी होर नाल कर रहा, बस एक कैमरे ते देखी जाना। चल तुहाडे नाल गल कर लैंदे आज। हाँ जी हुण आपां जपतेग नाल करदे आं उहदे स्टडी बैकग्राउंड दी गल। ते जपतेग जी मैनूं दसो मतलब तुसीं कद आए सीगे उरे साइमन फ्रेजर या कैनेडा? मैं आया सी वीरे 2019 विच फॉल विच आया सी सैप्टेंबर इनटेक विच, ते मैं प्लस टू दे बाद डायरेक्टली इत्थे आ गया सी एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन विच मैं इत्थे एडमिशन लिता सी। जो फर्स्ट ईयर इंटरनेशनल स्टूडेंट वास्ते एक ऑप्शन होंदा है फ्रेजर इंटरनेशनल कॉलेज विच, ते उस दे थ्रू आया सी मैं। ते फर्स्ट ईयर उत्थे कीता ते सैकेंड ईयर फिर मैं साइमन फ्रेजर विच ट्रांसफर ले लिता। ओके मतलब तुसी 2019 च BBA कोर्स है तुहाडा ना, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन? बिल्कुल यस। यानी 2019 20 21 22 4 साल दा गिना ना यार, बहुत लंबा टाइम हो गया। खत्म हो रही है बस, पढ़ाई करने आए हैं। मतलब 4 साल का कोर्स है ना? हाँ 4 साल का। लोग खिंच लेंगे कभी 5-6 साल, बट लकीली मेरा 4 साल तक ही रहा। हाँ 5-6 साल होता फिर PhD होगी। तो उस तो बाद पूछूंगा मैं थोड़ी मतलब थोड़ी फीस कितनी है? मतलब फीस मैं डायरेक्टली इंडियन करंसी नहीं दसागा, लोगों को डराना नहीं है, बट अंदाज़ा तुसी लगा सकते हो। मैं साल का अराउंड 33,000 या 36,000 कैट द बीच होंदा एक साल का। बाकी okay. तुसी सियाणे हो, इंटू 4 करके इंटू 60 कर लो। ओके मतलब दसना नहीं। हाँ हाँ उन्होंने करन दे साल। ओके मतलब एक साल की फीस है 36,000 कनेडियन डॉलर अप्रॉक्स कह लो। ओके 36 × 4 मतलब 4 साल दी। मैं कैलकुलेट करन नहीं बोलिया। हाँ नहीं मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा, मतलब 36 × 4 करोगे तो थोड़ा टोटल फीस पता लग जाएगी। हाँ 4 साल की। उन्होंने इंटू 60 करोगे फिर थोड़ा रियल पिक्चर दिखोगी, तो उस तो बाद तुसी शौक हो जाओगे। ये महाराज भी होए सी शौक, इसलिए मैं बोलिया वीडियो में सब नूं शौक नहीं करना। हाँ तुसी खुद होना तो हो जाओ। हाँ खुद कैलकुलेशन करियो इंडिया दी किन्ने बनदे। हाँ तो हुण असीं यूनीवर्सिटी दे टॉप फ्लोर ते है, ते पिछे तुसी देख सकते हो ग्राउंड बने हुए हैं, तो उत्थे तुसी फुटबॉल खेड सकते हो, तो साइड पर रनिंग कोर्ट भी है। तो काफ़ी बढ़िया सिस्टम है, इधर भी दिखा दो, देखो कितनी बढ़िया सिस्टम। तो इस तो बाद मैं इन्होंने पूछूंगा कि लाइक टर्म ब्रेक का क्या सिस्टम है ना, टर्म ब्रेक वगैरह मिलती है जिदा की सब नू 3-4 मंथ्स की मिलती है, वो नहीं मिलती। ओके, मतलब टर्म ब्रेक है ही नहीं, होंगी है बट 3-4 महीने की नहीं होंगी। साडा ट्राई सेमेस्टर स्कैड्यूल चलता है यूनिवर्सिटी कि ओके 3.5 मंथ्स की एक टर्म होंदा ते 15-20 डेज़ की तुहानूं हॉलीडेज मिल जांदियां। बट ये भी डिपेंड करता, कभी कभी तुहाडा एग्जाम जो आखिरी एग्जाम होंदा है एकदम लास्ट डे होंदा है सेमेस्टर का, तो फिर वो हॉलीडेज और भी कम हो जाती है। ओके, कभी कभी तुसीं लकी हो सकते हो, तुहाडे एग्जाम फर्स्ट वीक सारे हो गए तो तुहानूं 1 मंथ का भी ऑफ मिलता, डिपेंड करता। ओके, मतलब इन्हां दा सेमेस्टर है जिहड़ा वो 3.5 मंथ्स का होंदा है, तो सेमेस्टर मुकने के बाद तुहानूं 10-15 दिन की छुट्टी मिल जाती है, तो उस तो बाद फिर सेमेस्टर शुरू हो जाता है, टर्म ब्रेक वगैरह नहीं मिलती। तो ये टर्म ब्रेक का जो डाउट है थोड़ा क्लीयर हो गया ना साइमन फ्रेजर यूनिवर्सिटी बारे। लॉक है खुला है हुण जी, आप चले बिल्डिंग के अंदर, थोड़ी जी शांति रखनी पैनी, अंदर बड़ी शांति है। So this is complete study area. यूनिवर्सिटी बढ़िया है, एडमिशन लेके छेती आ जाओ, बस फीस नूं इंटू 60 करना ना भुल्लिओ फिर थोड़ा सोचना पैना तुहानूं। ये सारा स्टडी एरिया तुसीं देख सकते हो पिछे, तो सारी चेयर्स वगैरह लगी हुई है, सोफा लगे हुए हैं ना, तो बह के तुम आराम ना पढ़ सकते हो, सॉकेट्स भी लगे हुए हैं, बढ़िया है सारा एरिया। वन ऑफ द एरिया स्टडी बहुत ने, हाँ इदा के कहते बहुत है, मतलब बहुत ज़्यादा ने, एरिया बहुत बड़ा है, मतलब मैं भी नोटिस कराया, मतलब काफ़ी ज़्यादा फैली हुई है यूनिवर्सिटी। तो अगे चलो देखते होर क्या क्या इतने। अज छुट्टी है और तां करके कोई हैगा नहीं, उत्थे बैठे हैं लोग। ते यार ठंडे भी पए जे तुसीं ठंडे पीने, थले कॉफ़ी भी पई है, रेड बुल भी पिया, लेस वगैरह भी पए। आ हुण आपां अंदर यूनिवर्सिटी दे घूम रहे सीगे, ते आ देखो मैप बणिया होया कैंपस दा, ते जे तुसीं नवें बंदे हो कई बारी गुम जांदा ना या कोई एरिया लभ रहे हो मिल नहीं रहा, तो तुम मैप से देख के उस एरिए ते जा सकते हो। तो बाकी हुण उधर चलते देखते क्या है। क्या उधर? अच्छा, वो मेरे पीछे तुम देख सकते हो, उधर थिएटर भी है, मतलब ये मैं अजीब चीज़ देखी भी, यूनिवर्सिटी थिएटर भी है, उस क्लासा भी लगदियां हैं, जे तुसी कोई मूवी देखनी है मूवी भी देख सकते हो, तो थिएटर भी हैगा यूनिवर्सिटी खुद नहीं देख सकते हो, यूनिवर्सिटी हेड करती है। ओके, मतलब यूनिवर्सिटी लांदी है मूवी, थोड़ी मर्जी नहीं चलनी जी यूनिवर्सिटी ने लाई तो वही देखनी पैनी। चलो चलिए, थिएटर वैसे बंद है, तो जब तक वीर जी ने कहा विंडो चो देख लो, वो देखो अंदर कुर्सियाँ वगैरह लगी हुई हैं। सो थिएटर भी है यूनिवर्सिटी, बढ़िया गल है। हुण कित्थे जाना आपां? अगे चलते फेमस कैफे दिखाते जो एक सरदार दी चलाते। ओके, तो हुण आपां कैफे देखदे, कैंटीन भी कह सकते आपां। तां सीगा पिछे जी कैफे जिहड़ा तुहानूं दस्सिया सीगा, तो अज ईस्टर है हॉलीडे है तां करके बंद है, तो जे तुसी कॉफ़ी वगैरह ट्राई करनी है तो इत्थे आके कर सकते हो। नहीं तो बहुत बिजी बिजी होंदा, सब तो बिजी एरिया ही है, लकीली अज पूरा खाली पिया। हाँ जी, अज आ देखो खाली पिया सारा एरिया, तो मतलब ऐसा लगता कोई अज यूनिवर्सिटी है ही नहीं क्योंकि अज हॉलीडे है। जब तक इन्होंने पूछा भी लाइक कर थोड़ा इतने नेड़े ही है ना यूनिवर्सिटी तो? हाँ नेड़े ही है गया, बस 5 मिनट दूर है गया ते ओके बस लेंदे पहला स्टॉप है गया। बट 2019 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ तो 1 ਆਰ दूर ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ 2 ਬੱਸਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਸਕਾਈਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। 1 ਆਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ पूरा ਤੇ पूरा ਟਾਇਰਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ क्योंकि ये घंटा लगता है फिर बंदा ट्रैवलिंग 2 घंटे चले गए ना आने जाने बहुत ज़्यादा तो हूँ इन्हों का नेड़े ही है 5 मिनट। तो रेंट कितना थोड़ा? रेंट हमने मेरा 1 रूम का है एक हाउस विच एक विद ऑल यूटिलिटीज इंक्लूडेड $800 है। ओके किचन ना उन्होंने शेयर करता बाकी सब प्राइवेट है। ओके मतलब बर्न बीच थोनों 800 अराउंड रूम मिल जूगा यूनिवर्सिटी के नेड़े प्राइवेट ਤੇ ਜੇ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਲੱਕੀ ਹੋਤੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਲਾਈਕ ਮੇਰੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ 1 ਰੂਮ ਦਾ 1100 ਹੈਗਾ। ਓਕੇ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਛੋਟਾ ਰੂਮ ਹੈਗਾ ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਹਾਂ ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਈ ਓਨਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਕਈ ਘੱਟ ਤੇ ਬਾਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਕੈਸੀ। ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਜੇ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਚ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਅਪਰੋਕਸ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ? ਤੇ ਕਦੀ ਕਦੀ ਲਾਈਕ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਬੇਸਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਰੂਮ ਮਿਲਾਂਗੇ ਕਦੀ 4 ਮਿਲਾਂਗੇ ਤੇ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਾਂ ਲੈਂਡਲੋਰਡ ਵੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦਾ ਕਿ 1 ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫਿਰ ਰੈਂਟ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬਟ ਮਤਲਬ ਬਰਨਵੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਲਾਈਕ 4-5 ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 600-700 ਤੱਕ ਮਿਨੀਮਮ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਸ ਤੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਜਾਣਾ ਫਿਰ। ਓਕੇ ਮਤਲਬ ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹਿਸਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਵੈਨਕੂਵਰ 'ਚ ਵੀ ਇੰਨੇ ਦਾ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਉਰੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਦਾ ਹੀ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਕੁਛ ਫੈਕਟਰਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ ਰੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਓਨਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਨਾ ਅਤੇ ਘਰ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਘਰ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਰੈਂਟ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਘੱਟ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ। ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਰੈਂਟ ਬਾਰੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਕੁਸ਼ਚਨ ਪੁੱਛੋਗੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲੋਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ। ਚਲੋ ਚੱਲੀਏ। ਤਾਂ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਮਨ ਫਰੇਜ਼ਰ ਦਾ ਕੈਂਪਸ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨਾ ਮਾਊਂਟੇਨ ਏਰੀਆ 'ਚ ਹੈ ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕਾਫੀ ਫੋਰੈਸਟ ਹੈ ਨਾ ਮਾਊਂਟੇਨਸ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਬੀਅਰ ਹੈ ਭਾਲੂ ਉਹ ਹਾਈਬਰਨੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜਦ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਡਿਫੀਕਲਟ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪੋਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੇ ਹੈ ਨਾ ਅਤੇ ਭਾਲੂ ਵਗੈਰਾ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਆ ਕਰਨਾ ਇਹ ਬਟਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਦੇਖੋ ਪੁਸ਼ ਫੋਰ ਹੈਲਪ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦਬਾ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਹਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਾ ਦਵਾਵਾਂ ਨਾ ਹਲੇ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਪਾਲੂ ਭੁੱਲੂ ਆ ਜੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਟਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਪੂਰਾ ਪੋਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਦਬਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਆ ਹੋਊਗਾ ਫਿਰ ਹੈਲਪ ਲਈ ਆ ਜਾਵੇ ਇੱਥੇ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁੱਛਣਗੇ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜੇ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਲਰਟ ਹੋਇਆ। ਓਕੇ ਓਕੇ ਸੋ ਇਹ ਸਾਈਮਨ ਫਰੇਜ਼ਰ ਦਾ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫੈਕਟ ਹੈ ਕਿ ਪਾਲੂ ਵਾਲੀ ਪੋਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਔਰ ਇਹ ਪੂਰੇ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਵੀ ਪਾਲੂ ਪੂਲੂ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਚਣੇ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਦੱਸਤਾ। ਆਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬੱਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਮਤਲਬ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਕੋਲੇ ਹੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਮਤਲਬ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰ ਕੇ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਜਾਣਾ। ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੈਟਰੋ ਟਾਊਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ R5 ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ट्रांसपोर्टेशन की कोई दिक्कत नहीं है। नाल ही बसा खड़ी हैं पढ़ के आके बस च बैठ के घरे चले जाने। हूँ जिथे मैं खड़ा है पिछे है कॉर्नर स्टोन गेट है ना। हाँ कॉर्नर स्टोन गेट तो इतने मतलब सारा खाण पीण का बंदोबस्त है। ऐसे थोड़ा टिम हॉटन्स भी मिल जूगा सबवे भी मिल जूगा होर ग्रोसरी वगैरह लेनी है ना होर प्रिंट आउट कढ़ाने है ना। पर जब तक ने मैं दसिया जो तुम प्रिंट आउट कढ़ाना तो यूनिवर्सिटी चो ही कढ़ाओ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਨਿਕਲੂਗਾ ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਹਿੰਗਾ ਪਊਗਾ। ਫ੍ਰੀ ਨਹੀਂ ਬਟ ਕਾਫੀ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਪੜ ਜਾਂਦਾ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਲੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਨਾਲ SFU ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਓਕੇ ਮਤਲਬ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਆਊਟਸਾਈਡ ਯੂ ਵਿਲ ਗੈਟ ਚੀਪਰ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਓਕੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਉਰੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਬਵੇ ਟਿਮ ਹੌਟਨ ਪੀਜ਼ਾ ਹੱਟ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਕੁਛ ਖਾਵਾਂ ਖਾਈਏ ਕੁਛ ਚਲੀਏ ਤੇ ਸਬਵੇ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਚਲੋ ਚੱਲੀਏ ਵੀਡੀਓ ਵਗੈਰਾ ਜੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਖਾ ਪੀ ਲਈਏ ਤੇ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸਬਵੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਸਬਵੇ ਖਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਘਰ ਨੂੰ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਬੱਸ ਲਊਗਾ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਬੱਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਨਾ ਕਿਉਂ ਭਾਈ ਮੈਂ ਪਹਾੜੀ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾਣਾ ਨੀਚੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬੱਸ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। अच्छा भी फसते जाओगे मन लगा पहाड़ इन्होंने पैदल ही उतरना थले तो चलो फिर इन्ना भी नेड़ा नहीं रहता यार मतलब हाँ मन लगा कि घर जावा तो नेड़े आ थोड़ा जहा इन्हों बस लेनी पऊगी तो चलो हूँ खाते पीते अंदर चलते सब कुछ चलो in vegetarian, which patty do you have? Yeah, vegetarian. This one? Okay, let me see. Yes, yes, this one. Do you want it? The sauce which one is? पहले गाना लाइक हूँ मैं पूछना चाहूँगा मतलब पासिंग सिस्टम क्या है और जीपीए वगैरह का क्या सीन है ग्रेड्स वगैरह तो हर कोर्स का अलग एक एवरेज होंगे इतने कोई भी कोर्स तुम ले लो मेजोरिटी कोर्सेज विच ग्रेडिंग जो होंगी है एक कर्व तो होंगी है तो कर्व इज़ लाइक हर स्टूडेंट की एवरेज देखी जाती है पूरे लाइक पूरे क्लास में जिन्हें भी बच्चे ने 50 स्टूडेंट है उन्होंने एवरेज देखी जाती है तो एवरेज समझो लाइक 60% हैगी है तो तुसी स्कोर किया 80% तो तुहाडा ए आ गया तो जो 60% है वह ग्रेड सैट हो गया कि वह B+ ही रहना है तो वो नीचे जो भी आना है उन्होंने B+ तो उत्ते नहीं मिलना तो जो भी उत्ते उपर है उन्होंने B+ तो नीचे नहीं मिलना ओके एन सिस्टम हैगा तो इस वास्ते कॉम्पीटिशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता स्टूडेंट के बीच कभी कभी तुसी किसी को हेल्प मांगने वालों कि यार ये क्वेश्चन किवें आना है ये किवें आना है वो बोलन में थोड़ा झिझकता है कि यार इनू मैं दसा मेरा ग्रेड कम हो जाएगा एवरेज थोड़ी कम हो जाएगी मैंने इस तो ज़्यादा स्कोर करना तो भी मेरा ज़्यादा स्कोर आया होगा तो एक कंपटीशन बहुत बन जाता है तो सारे कोर्सेज नहीं होंगे कुछ कोर्सेज में तुसी अपना पूरा इनपुट देना होंगे तो उस बेसिस में मिलता है बट मैं बोलांगा 85 या 90% कोर्सेज में सारा कर्व तो ही है ओके मतलब एवरेज निकलती है तो जी एवरेज तो उपर है तो बढ़िया नंबर है जी एवरेज तो थले है तो यह भी होंगे कि कभी कभी कोई कोर्स बड़ा औखा निकलता है कि सानू मतलब समझ नहीं आ रहा या इस विच करना नहीं बट रिक्वायर्ड कोर्स होंगे तो वो करने वास्ते तुसी बस पूरी कोशिश करो कि एवरेज तो उपर आ जाओ उससे की होता तो ग्रेड बैलेंस हो जाना मतलब ज़्यादा कम नहीं होना तो कभी कभी एक कोर्स कंप्लीट करने वास्ते करने तो बाद दूजा कोर्स ही तुसी ले पाओगे तो बाई चांस तुम एक कोर्स फेल हो गए तो उधर सैकेंड लैवल तुम नहीं कर पाओगे तो पहले वो वापस करना पैना तो मतलब जो फेल वगैरह हो जाइए तो फीस कितनी दोबारा देनी पैंती फीस कोर्स के हिसाब नाल तो अगर मैं एवरेज 3 क्रेडिट कोर्स की गल करा तो अराउंड 3000 की पढ़ती है एक कोर्स की तो मैं अगर 3 या 4 कोर्स लवा तो फिर एक सेमेस्टर की 9000 या 12000 उसी हिसाब नाल बनती है ओके मतलब जो कोर्स से फेल है तो $3000 रेडी रखो रेडी $1500 इंटरनेशनल स्टूडेंट अफोर्ड नहीं कर सकते फेल होना बट सब दे स्ट्रेंथ्स और वीकनेस होंगे बाकी सब अपनी पूरी मेहनत करें बस और $3000 तो बहुत है मुश्किल है औखा कढ़ना तो साडा तो $1500 है तो पासिंग GPA 3 है मतलब इन्हों के फिक्स नहीं है भी इन्ना ना एवरेज निकलती है फिर वह होंगे जो मैं फर्स्ट ईयर आया सी मैं फ्रेजर इंटरनेशनल कॉलेज जो आया सी जो मैं दसिया उत्थे ट्रांसफर SFE लेने वास्ते 3.2 GPA चाहिए अगर तुसी मेरा कोर्स कर रहे हो, लाइक BBA बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हो, अगर तुसी बिजनेस कम्युनिकेशन में जाते तो फिर GPA ड्रॉप हो जाती 2.5 हो जाती है। ओके, तो जो तू दस्या भी फ्रेजर इंटरनेशनल वो लग गया है, मतलब लाइक टाई अप है, इट्स लाइक फर्स्ट लेवल ऑफ साइमन फ्रेजर यूनिवर्सिटी। कभी कभी होंगे ना कि लाइक इंटरनेशनल स्टूडेंट आते हैं, उन्होंने थोड़ा ये नवा एनवायरमेंट थोड़ा सैटल होने में टाइम लगता है, तो ये की होंदा है छोटी छोटी क्लासेस होंदा नहीं है, बच्चे मतलब ईजिली प्रोफेसर दे नाल ईजिली मतलब गल्लां कर सकते हैं, एडजस्ट हो जाते हैं। क्योंकि इत्थे अगर तुसीं डायरेक्टली फर्स्ट ईयर जाओ तो तुहानूं सीधा 300 या 400 स्टूडेंट की क्लास में डाल देंगे, वो कभी कभी नर्वसनेस बढ़ जाती है स्टूडेंट में। Okay, मतलब वो इन्हां दी ब्रांच ही है ना साइमन, बट ये है कि तुसी अगर SFU डायरेक्ट लिया होते उसका बहुत फायदा है, तो कोई GPA मेनटेन नहीं करनी सैकेंड ईयर में जाने वास्ते। बट तुसी अगर फ्रेजर इंटरनेशनल कॉलेज तो आते हो तो उपर फर्स्ट ईयर में बहुत प्रेशर आता है कि मैं हल्का जहा भी कोर्स लाइक कम ग्रेड में लिया है या मैंने 3.2 GPA मेनटेन करनी है, कभी कभी औखा हो जाता है बहुत ज़्यादा। ये ओके, चलो जी, ये सी अज की साडी वीडियो SFU कैंपस टूर ते जब तेग दी स्टडी जर्नी एट SFU। तो जे वीडियो तुहानूं वधिया लगी हुई तो लाइक कर दिओ, तो कोई भी डाउट होया थले कमेंट कर दिओ। तो जब तेग दा मैं इंस्टाग्राम ID वो डिस्क्रिप्शन लिंक कर दूँगा, तुसीं इन्हूं कोई भी क्वेश्चन पुछना है SFU के रिगार्डिंग, कोई भी SFU के रिगार्डिंग हेल्प चाहिए होई इन्हूं कॉन्टैक्ट कर सकते हो। यदि इंस्टाग्राम ID मैं थले डिस्क्रिप्शन मैंशन कर दूँगा। तो ये सी अज की वीडियो, जो वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर दिओ, कोई भी डाउट होया कमेंट कर दिओ। मिलांगे अगली वीडियो, टिल दैन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय बाय।